के तेरी भरी जवानी दिल मेरा गदगद हुआ। तू मेरे सपनों की रानी आ मेरी बाहों में आ। कांता वो देखो अर्जुन हाथ में हथियार लेकर रथ से उतर रहा है। ए, और कितना लेकर आएगा? अंदर बर्तन बच्चे दे रहे हैं क्या? बर्तन बच्चे देते हैं क्या? चलो जल्दी से सब साफ करो। तूने और मैंने घर नहीं बसाया तो क्या सारी दुनिया हाथ फैलाकर बैठी है? तुम आजकल ठीक से काम नहीं करती, बर्तन साफ नहीं होते हैं। काम पर अच्छे से ध्यान दो। अरे बर्तन क्या, तू शर्ट खोल कर आ जा, तुझे भी रगड़ दूंगी। मेरी बीवी नहीं है इसलिए तुम मुझे इतना डरा रही हो? इसलिए भाग गई होगी। देखो अब तक तुमने ये बात 50 बार कही है, मुझे मारने आ रही है क्या? 150 बार बोलूंगी क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? क्या करेगा? औरतों से दूर रहूंगा। तो मुझसे शादी कर लो ना, पलकों पे बिठाऊंगी तुम्हें। और कहीं जगह खाली नहीं है क्या? इतना दूर जा रहे हो, क्या कमी है आखिर मुझमें? ज्यादा ही हो रहा है। ये क्या सारा काम छोड़ के गप्पे मार रहे हो तुम लोग? टाइम पर आया हो सिनु भैया, यहाँ तो फिल्म का रोमांटिक सीन चल रहा था अभी। तू चुप कर, सही समय पे आए हो। तुम ही से समझाओ ना, पूरी जिंदगी अकेले रहकर हम क्या मोमबत्ती की तरह पिघल जाएं? मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, इनकी बीवी ने इन्हें छोड़ दिया, तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं? कर लो मामा, दोनों एकदम हीर रांझा लग रहे हो। हमारी जोड़ी हीर रांझा, ये सुनने में अच्छा है। सुनो सुयोधना, तुम्हारा षड्यंत्र क्या है पता नहीं, पर धीरे 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 रणनीति बनाते रहना। 10 लोगों के 10 लोगों के होते हुए मेरी बात पर तुम विचार करना। जाओ सुयोधना। जल रहा है। मैंने तुम्हें देखा नहीं। जल रहा है। अपने सिनु, सॉरी सिनु, मैंने देखा नहीं। सॉरी सिनु। सॉरी सिनु, गलती हो गई। लेट हो गया, ये लीजिए माँ दूध। लक्ष्मी। क्या हुआ माँ? सीनू से शादी करोगी क्या? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सीनू से शादी करना तुम्हें मंजूर है ना? क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ। एक औरत हो, अच्छे से सोच कर बताओ। सीनू मेरा बेटा है इसीलिए नहीं कह रही हूँ। उसने भले ही पढ़ाई ना की हो लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। किसी पर कोई भी परेशानी आ जाए तो साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके लिए एक अच्छी लड़की देख ही रही थी कि तुम खुद हमारे घर आ गई। मुझे लगता है कि उसके लिए तुम बिल्कुल सही रहोगी, इसलिए मैंने पूछा। सीनू से शादी करना तुम्हें मंजूर है क्या? मेरी मंजूरी काफी नहीं है। सीनू मुझे पसंद करता है या नहीं पता नहीं। तुम इस बारे में मत सोचो, मैं जो भी कहूँ सीनू कभी मना नहीं करेगा। मेरी बात कभी नहीं काटता है वो। माँ ये लो, बातों बातों में आ भी गया। क्या हुआ माँ, आप दोनों मीटिंग कर रहे हो, कल के खाने के बारे में है क्या? ये सब तो रोज की बात है बेटा, ये नए खाने के बारे में है। नया खाना क्या है वो? अच्छा तूने कभी मेरी कोई बात से मना किया है क्या? तुम्हारी बात को मना करूं? ये क्या कह रही हो माँ, तुम्हारी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। लक्ष्मी से शादी करोगे ना? लक्ष्मी से? पर इस सब के लिए बहुत तैयारी करनी होगी ना? वो सारी तैयारियाँ मैं देख लूंगी। तू जाकर दूल्हा बन करके चुपचाप मंडप में आके बैठ जा, उतना ही काफी है। ओम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम वेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी वृद्धान गम्यम। भगवान से क्या मांगा तुमने? उन्होंने तुम्हें दे दिया, अब इस दुनिया में मांगने के लिए बचा ही क्या है? तुमने क्या मांगा? माँ अगर खुश हो तो सभी खुश होंगे, इसलिए माँ को खुश रखने के लिए मैंने कहा है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ ना, कहते हैं माँ से प्यार करने वाला बीवी से बहुत प्यार करता है। क्या कहा, शीनू की शादी तय हो गई है? किसके साथ? और कौन, हमारी लक्ष्मी के साथ। वेरी गुड, लक्ष्मी के साथ, मुझे लगा ही था। अरे इस महीने की 27 तारीख के 8 बजे का मुहूर्त निकला है। मैं समझ गया माँ, लेकिन आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने को कहा है और ये ऑपरेशन से डर रही है। मतलब तुम्हारे और बहू के बिना ही हमें ये शादी करनी होगी? अरे माँ क्या आप भी पुराने जमाने की बात कर रही हैं? यहीं से देख लेंगे ना, व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर। आप बस मुहूर्त तय कीजिए ना, हम लोग यहीं इंटरनेट से देख लेंगे, यहीं से आशीर्वाद भी दे देंगे। हाँ पंडित जी ने कहा है कि इससे अच्छा मुहूर्त पूरे साल में नहीं आएगा।
शादी में कोई आए या ना आए, आशीर्वाद देने के लिए ऊपर भगवान है। तुम दोनों की शादी मैं इसी मुहूर्त में करवाऊंगी। कुछ भी कहो, इतने अच्छे परिवार में हमारा संबंध नहीं हो पाया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तू दुबई कब जा रहा है? नेक्स्ट मंथ। तेरे जाते ही तेरी दोनों बेटियां भाग जाएंगी। गांव वालों का कहना है। चीची, तुझसे बात करना ही बेकार है। जजमान, ये मंगल सूत्र पहनाइए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम इति शुभम। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अब अंगूठी दीजिए। अरे अरे लक्ष्मी, आराम से। लगता है हमारे बिना शादी अच्छे से हो गई है। होगी क्यों नहीं जी, आपकी माँ थोड़ी बहुत मशहूर थोड़ी है, बहुत मशहूर है। ये क्या तारीफ कर रही हो या ताना मार रही हो? ताना मारूंगी तो आप मारोगे नहीं। अच्छा वैसे इस शादी में कितना खर्चा हुआ होगा सोचा आपने? कुछ 5-6 लाख हुए होंगे। क्यों नहीं होंगे, लड़की के बदन पर आपने सोना नहीं देखा? वैसे वो मेरी माँ के जेवर लग रहे हैं ना? वो आपकी माँ के जेवर है आपने अब पहचाना? किसी भी दिन उन्होंने कोई जेवर क्या मेरे गले में डाला? आज तक उन्होंने मुझे एक अंगूठी भी दी है। चेन और अंगूठी मेरी माँ ने ही तो दी थी ना, वो उस लड़की का हो गया क्या? अब एक काम करोगे क्या? क्या? मुंह बंद करके अपना काम करो। मेरा मुंह बंद नहीं रहने वाला है। हाँ वैसे भी तो तुम वही कर रहे हो, हम तो यहाँ दूर बैठे हैं। आज सोना दिया है, कल घर की चाबी और घर दे देंगे। उसके बाद तुम वहाँ जाकर के अपने माँ के होटल में जाके बर्तन धोना और उन लोगों को खाना खिलाना। इतना बड़ा भी गधा नहीं हूँ मैं, जब बंटवारा होगा ना तब पता चलेगा मेरी पावर। बंटवारा होने में अभी बहुत समय है, अभी से संभल के चलना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा। हाँ वैसे इतना सोना माँ के पास है हमें ये भी पता नहीं? इतने सालों से छुपाए हुए सोने को इस सीनू की शादी में उन्होंने बाहर निकाला है। अरे छुपाने दो, जहाँ छुपा सकती है, आएगा सब तुम्हारे ही गले में। हाँ क्या है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? फिर चला जाऊँ क्या? फिर तुम्हारी आदतें परेशान करती हैं। वैसे और क्या क्या आदतें हैं तुम्हारी? सच कहूँ तो मेरा अतीत एक सपने की तरह पिघल गया, मेरी जिंदगी को बदल दिया तुमने, अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे नहीं, बर्तन चमकना चमकना चाहिए। अरे इसकी तो, ये क्या कर रहा है? ओए अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है ये? स्टोव जला रहा हूँ। स्टोव जला रहा है? ये स्टोव है क्या? तो क्या है अबे, लगता है एक ना एक दिन तू होटल जला देगा, वो भी हमारे साथ साथ। सुबह सुबह दारू पी ली क्या तूने? तुम्हारे कसम भैया, अगर चाहिए तो सोम कर देखो। अरे बाप रे, लगता है नाक ले जाकर ठेके पे रख दी है, मेरे पेट तक तेरी बदबू गई रे। आपने भरोसा नहीं किया इसलिए सबूत दे रहा था। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को बेहोशी की दवा देते हैं, उसकी जगह तेरा मुंह रख दो, बेहोश हो जाए। भगवान की कसम भैया, मैंने नहीं पी है। मैं खत्म हो गया तो अब भगवान पे चला गया, ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे एक काम कर, दो हाथ लेकर मुंह के सामने रख कर जोर से फूंक मार और सूंघ उसे जरा। ओके कर। हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे ऐसे। अब कल तक नहीं उठेगा, मेरा आइडिया काम कर गया।